देश के हालात बेहद चिंताजनक है। तेजी के साथ बढ़ती हुई आबादी और सीमित संसाधनों के कारण भारत में निकट भविष्य में गृह युद्ध की स्थिति बन रही है। इसलिए सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण के लिए ठोस कानून बनाने की जरूरत है। यह बात जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के प्रदेश संरक्षक पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने शाहपुरा शाहीबाग में आयोजित जिला बैठक के दौरान कही। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक कैलाश शर्मा ने कहा, सरकार को सबसे पहले जनसंख्या के मामले में कानून बनाने की आवश्यकता है, अन्यथा हमारी आगे वाली पीढ़ियों का भविष्य संकट में है। पूर्व मंत्री सरदार जसवीर सिंह ने हम दो हमारे दो कानून को समस्त भारतीयों पर सख्ती से लागू करवाने के लिए आंदोलन को तेज करने का आह्वान किया। इस मौके पर महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुमन शर्मा ने केंद्र सरकार से शीघ्र कानून बनाने की मांग करते हुए गांव व ढाणी ढाणी आंदोलन को पहचाने की बात कही। वहीं फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष नारायण राम चौधरी ने बताया, भारत की आबादी 139 करोड़ से अधिक हो गई। समस्त समस्याओं की जड़ तेज गति से बढ़ रही आबादी ही है, जिसके लिए सरकार को कठोर कानून बनाने की जरूरत है। प्रदेश उपाध्यक्ष पवन शर्मा जवानपुरा ने इस मौके पर संबोधित करते हुए कहा, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार सहित अनेक समस्याओं का समाधान है। समस्त देशवासियों पर समानता के साथ दो बच्चों का कानून लागू हो। इस मौके पर कुलभूषण बैराटी महिला मोर्चा प्रदेश सचिव किरण शर्मा शीघ्र जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग की है। कार्यक्रम की शुरुआत के दौरान अतिथियों ने भारत माता के दीप प्रज्वलित कर वंदना की। अतिथियों का जिला अध्यक्ष सी रतन कुमार अग्रवाल एवं जयपुर देहात की टीम द्वारा माल्यार्पण कर स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया। इस मौके पर बुद्धि प्रकाश जिला पूर्व जिला पार्षद फूलचंद बड़बड़वाल, रवीश खटाणा, मनोज कुमार टांक, ओम प्रकाश टांक सहित अनेक लोग मौजूद थे।